સેલવાસ નગરપાલિકા દ્વારા ટાઉન હોલમાં પાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓ નગરના વેપારીઓ સાથે રક્ષાબંધન પર્વને અનુલક્ષી સફાઈ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા તથા સફાઈ કર્મીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સેલવાસ નગરપાલિકા દ્વારા ટાઉન હોલમાં પાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓ નગર વેપારીઓ સાથે રક્ષાબંધન પર્વને અનુલક્ષીને સફાઈ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા તથા સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સેલવાસ નગરપાલિકા દ્વારા આજે ટાઉન હોલમાં નગરપાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે તથા સફાઈ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે હેતુથી એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપસ્થિત સફાઈ અભિયાનના એમ્બેસેડર પિંકી કેમાની દ્વારા લોકોને સફાઈ કર્મી પ્રત્યે આદરભાવ રાખવા જણાવ્યું હતું અને લોકોને સફાઈ અભિયાનમાં સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી. કાર્યક્રમમાં એસએમસી પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, એસ કુમાર, મેઘના લખાણી, સીઓ મોહિત મિશ્રા સહિત અનેક મહાનુભાવો તેમજ નગરપાલિકાના સમગ્ર સ્ટાફ અને સેલવાસના વેપારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં સફાઈ કર્મચારીઓને સુરક્ષા માટે હેન્ડ ગ્લોવ્સ આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે લાયન્સ ક્લબની બહેનો દ્વારા રાખડી પણ બાંધવામાં આવી હતી. समय की मांग है, हम सब जानते हैं प्लास्टिक का उपयोग हम सबको विनाश की ओर ले उनको और ऊर्जा देगा और अपनी सहभागिता आज सिलवासा नगर परिषद नगर पालिका रक्षाबंधन उत्सव मना रही है और इस रक्षाबंधन उत्सव में सिलवासा नगरवासियों में जितने भी व्यापारी हैं, साथ में हमारे जो स्वच्छाकर्मी हैं और हमारे सिलवासा नगर पालिका के कर्मचारीगण भी हैं, वो सभी यहां पर उपस्थित रहे. हमारा रक्षाबंधन उत्सव मनाने का एक खास उद्देश्य था कि लोगों को ये जानकारी और लोगों में इस तरह का भावना पैदा करना कि यहां पर जो स्वच्छा कर्मी है उसके प्रति लोगों में आदर का भाव और जुड़ाव पैदा हो, साथ में उसके जो सहयोग, आपको मालूम है कि सब जो समाज का तो सबसे निम्न स्तर का जिसको समझा जाता है, इस तरह की स्थिति हमने देखा है वो जगत, लेकिन उसके सहयोग कितना बड़ा है इसके लोग समझ नहीं पा रहे हैं. तो यह रक्षाबंधन उत्सव में एक उसका उत्साह वर्धन हो इसके कारण हमने ये प्रयास किया है और साथ में उसके स्वास्थ्य की भी चिंता नगर पालिका कर रही है और साथ में यहाँ के जो नागरिक गण है वो भी उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं. इसके लिए उसको ग्लोव्स दे करके उसको स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाया है हमने अपने स्वच्छता कर्मियों. इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि मैंने सीईओ मोहित मिश्रा जी को कहा कि हमें स्वच्छता कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार लायंस क्लब ऑफ सिलवासा की तरफ से मनाना है और उन्हीं की बदौलत और मेयर राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में ये प्रोग्राम को एक अनूठा रूप मिल गया, जिसमें हम लोगों ने कपड़े की थैली बांटी प्लस और ग्लोव्स बांटे और ये संदेश दिया कि स्वच्छता कर्मी जो है वो ग्लोव्स पहनकर ही काम करे ताकि उनके अपने स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव ना पड़े और दूसरों को भी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो. और कपड़े की थैली का वितरण जैकॉर्प इंडस्ट्री और स्टर्लिंग इंडस्ट्री ने किया. ये सब मिलकर लायंस क्लब ऑफ सिलवासा, नगर पालिका और ये दो इंडस्ट्रीज ने मिलकर ये एक प्रोग्राम की रचना की और इसका सारा श्रेय नगर पालिका के सीईओ श्री मोहित मिश्रा जी को जाता है कि उन्होंने ये इस अनूठे प्रोग्राम की रचना की और लायंस क्लब ऑफ सिलवासा की तरफ से स्वच्छता कर्मियों को राखी बांधी जा रही है और ग्लोव्स प्रदान किए जा रहे हैं और नाश्ता मिठाई खिलाई जा रही है. लोगों से क्या किस तरीके की अपील रहेगी? मेरी तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि
हर इंसान स्वच्छाग्रही बने। अभी मोहित मिश्रा जी ने स्वच्छाग्रही संस्था बनाई है जिसका केवल आप 10 रुपया फॉर्म भरकर मेंबर बन सकते हैं। अगर सिलवासा का हर नागरिक स्वच्छाग्रही बने और हर एक ये सोचे कि ना केवल मेरा घर बल्कि बाहर का परिसर और मेरा शहर सुंदर और साफ रहे, तो ये चीज बहुत जल्दी संभव है कि 164 नंबर से लेकर हम एक नंबर पे पहुंचने में हमें देरी नहीं होगी। पर ये बात हर नागरिक को विचार करना चाहिए और हर नागरिक को सपोर्ट करना चाहिए।